हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा BA LLB और LLB सेकेंड ईयर का आपका जुरिस्प्रूडेंस का एग्ज़ाम। ये देखिए BA LLB फोर्थ ईयर का है, LLB सेकेंड ईयर का है, जो कि अभी हाल ही में होकर चला है। तो देख लेते हैं इसको। इसमें वही 100 क्वेश्चन है, आपको 80 अटेम्प्ट करने थे। जो प्रीवियस क्राइटेरिया था वो 50 का था, मगर इस बार इसे बढ़ा दिया गया है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? अगस्त काम्प्टे। ये इसका राइट आंसर है। ओके, समाज का ऑर्गेनिक सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर है एच स्पेंसर। ओके, टाइम न गवाते हो हम 100 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि हमारे द्वारा दिया गया आंसर आपको गलत लगता है, तो आप हमें कमेंट करेंगे कि ये आंसर गलत है, तो हम उसे चेक कर लेंगे। और अगर बाई मिस्टेक होती है तो उसे कॉपरेट करिएगा, विद कंटेंट आप कमेंट करिएगा, चेंज कर दिया जाएगा। ओके, कौन सा प्राकृतिक विधि विचारधारा विधि शास्त्रीय नहीं है? कौन सा जो है विधि शास्त्रीय नहीं है, ये जो है हमें बात करना है। देखिए इसमें पहले दो तो जो है वो हैं, और सेलमंड और हुकर में से डाउट है, तो ये क्वेश्चन डाउटेबल है, तो हम आपको इसका आंसर नहीं देंगे। आप खुद सर्च करिएगा और हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होने जा रहा है। ओके, फिर देखते हैं आगे। विधि का कौन सा विचारधारा पूर्ण न्याय की बात करता है? विधि का कौन सा विचारधारा की पूर्ण की न्यायपूर्ण की बात करता है, जो कि है प्राकृतिक। ओके, यह है प्राकृतिक। रोम की विधि का वर्गीकरण किया गया है ना, किया गया है, रोम की विधि का वर्गीकरण किया गया है, किसमें किया गया है? ये देखिए, ये जस्ट सिविल में भी किया गया है, जस्ट जेनेटिव में भी किया गया है, और नेचुरल में भी किया गया है, यानी कि उपयुक्त सभी आप इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विधि का आनुधिक सिद्धांत का समर्थन कौन नहीं करता है? इसका सिद्धांत का समर्थन कौन नहीं करता है? वो है हुकर। ओके, एनाटॉमी ऑफ द लॉ लेख किताब के लेखक कौन हैं? इसके जो लेखक हैं वो हैं लान एच कूलर। ओके, कौन सी विचारधारा हित की बात करती है? कौन सी विचारधारा हित की बात करती है, यानी कि इंटरेस्ट की बात कौन करता है? तो वो है समाजशास्त्रीय विचारधारा। ओके, समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र एलएच के कार्य का दौर कौन सा है? इसका है ए आंसर, यानी कि 1862 टू 1922 तक। किसने कहा कि विधि शास्त्र सिविल विधि का विज्ञान है? किसने कहा? ये थे सेलमोंड सर, सेलमोंड ने कहा था। प्रेविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर है 1832। ओके, इसका आंसर है 1832, यानी 1832 में इसे प्रकाशित किया गया। किसने कहा कि विधि के सिद्धांत एक विज्ञान है? ये था कैल्सन। ओके, किसके अनुसार रूढ़ी विधि का महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा हिस्टोरिकल पार्ट होता है, यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा। ओके, निम्नलिखित में से किसने यह कथन कहा था कि प्रमाणवादी विचारधारा समादेश अनुशासित तथा संप्रभुता की त्रिवेणी है? ये किसने कहा था? ये थे हार्ट। हार्ट ने इसे कहा था। लिमिट ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड के लेखक कौन थे? इसके थे बेंथम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विधि की विश्लेषणात्मक शाखा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? इसका आंसर है जॉन ऑस्टिन। एक व्यक्ति जिसमें अधिकार रहता है कहलाता है। ओके, कौन कहलाता है? अधिकार धारण करता। ओके, प्राथमिक नियम एवं द्वितीय नियामक विधि शास्त्र में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हार्ट के द्वारा। ओके, विश्लेषणात्मक विचारधारा के पितामह कौन हैं? इसके पितामह हैं ऑस्टिन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट टू यूज द टर्म ऑफ सोशियोलॉजी, किसने इस समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? इसका थे अगस्त काम्प्टे। ओके, कब्जा प्रथम दृष्टिया का प्रमाण है, इसका है ओनरशिप। ओके, सर्वश्रेष्ठ स्वत स्वामी, सर्वश्रेष्ठ स्वत संपत्ति उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से स्वामित्व आपका आंसर है। ऐतिहासिक विचारधारा में विधि का स्रोत क्या है? देखिए ऐतिहासिक विचारधारा में विधि का स्रोत है हिस्टोरिकल। ओके, वह कौन
पहला विधि शास्त्र था जिसने ऐतिहासिक विचारधारा को आगे बढ़ाया, वो थे मॉन्टेस्क्यू। ओके, ऐतिहासिक विचारधारा का प्रमुख मुख्य प्रतिवादक कौन था? तो देखिए, इसका आंसर है सेवेंगनी। निम्नलिखित में से कौन से उपयोगितावादी विधि शास्त्र अर्थात अधिक से अधिक लोगों की आर्थिक से आर्थिक भलाई का प्रतिपादक है? ये कौन थे? ये थे जेरमी बेंथम। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विनस्याधार का गलत अर्थ है? कौन सा इसका गलत अर्थ है? यह है सेकंड, इसका आंसर होगा। ओके, सामाजिक समेकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका आंसर है ड्यूगेट। ओके, लोक चेतना का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका आंसर है सेवेंगनी। क्या आंसर है? सेवेंगनी। ओके, आनंद और तकलीफ का सिद्धांत किसने दिया? ये थे बेंथम। ओके, निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी एक ने मानव अधिकारों की संकल्पना को जन्म दिया? ये थे नेचर ऑफ लॉ वाले, नेचर ऑफ लॉ स्कूल की, वो विधि प्राकृतिक विधि की शाखाओं के अनुसार जो है इन पर ध्यान दिया गया था। किसके अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान निश्चयात्मक विधि से संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका ऑस्टिन। क्या होगा? ऑस्टिन। सर्वप्रथम विधि शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ? ग्रीक में। महान रोमन विधि शास्त्रीय अल्पियन के विधि शास्त्र को परिभाषित किया, किसने किया था? सोशल विचारधारा ने, सामाजिक। सामाजिक अभियांत्रिकी की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये थे रोस्को पॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन एक विधिक व्यक्ति है? देखिए, विधिक व्यक्ति होते हैं यानी लीगल पर्सन वो होते हैं जो के जिनमें जान होती है ना, जान होती है। तो अभी देख लें कि कौन है इसमें ऐसा, तो पशु। कौन होते हैं? पशु। ओके, कौन कहता है कि स्वामित्व किसी वस्तु पर समग्र नियंत्रण है? ये कौन कहता है? ये कहते हैं हॉलैंड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति का एक प्रकार नहीं है? कौन सा एक प्रकार नहीं है? देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है और वैल्यूएबल रियल प्रॉपर्टी भी होती है। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो वैल्यूएबल है, इसलिए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, रियल वैल्यू होती है। हु सैड कि विधि मानकों, यानी किसने कहा कि विधि मानकों का विज्ञान है? किसने कहा? कैल्सन ने। निम्न में से कौन व्यक्ति का प्रकार एक प्रकार नहीं है? कौन व्यक्ति का प्रकार नहीं है? इसमें देखिए, आर्टिफिशियल जो है व्यक्ति का प्रकार नहीं है। ओके, किसने कहा आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए बिना अधिकारों की अपेक्षा किए? ये किसने कहा था? ये डाउटेबल क्वेश्चन है, आप इसे सेल्फ करेंगे। ओके, ये डाउटेबल क्वेश्चन है, इसे आप सेल्फ करेंगे और हमें आप इसका आंसर शेयर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विधि के अनुसार कौन सा अधिकार मान्य है? कौन सा अधिकार? रियल राइट्स। समाजशास्त्रीय विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री कौन थे? इसके थे रोस्को पॉन्ड। ओके, विधिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है? इसका आंसर है लेजिस्लेशन, यानी कि विधायन। ओके, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? यह है राइट से, अधिकार से, है ना। ये जो है टैक्स के ऊपर था विवाद, पूरा का पूरा टैक्स चोरी का मामला था। किसने कहा न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं? किसने कहा? ग्रे ने कहा। ओके, किसने कहा? वह रूढ़ी जो विधि बल रखते हैं होते हैं कितने प्रकार के? होते हैं टू प्रकार के। निम्न में से कौन सा विचारधारा यह विश्वास करता है कि रूढ़ी स्वतः विधि
हैं यानी कि खुद ही हैं, तो ये थे आपके हिस्टोरिकल ऐतिहासिक। ओके, निम्नांकित में से किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, किसको व्यक्ति विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, तो वो देखिए मूर्ति, एक नियम, एक कोष, इन सब में ये मुझे डाउट था, तो मैं तो जाऊंगा एक डेड मैन की ओर कि इसे जो है एक विधि का व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, पर ह्यूमन विंग्स की कैटेगरी में आता है। पर एक इसमें डाउट ये था कि जीवित व्यक्ति होना चाहिए, है ना, तो जीवित व्यक्ति होता तो लीगल पर्सन होता है, पर यहाँ कहा है विधिक व्यक्ति नहीं है यानी कि लीगल पर्सन नहीं है, तो हम जो है डेड की ओर जाएंगे। ठीक है, देखें किसने कहा है कि विधि एक संप्रभु समावेश है। ओके, किसने कहा, ऑस्टिन ने। किसने कहा कि एक प्राकृतिक विधि के परिवर्तनशील सामग्री के साथ होते हैं, ये थे सेंट एक्विनास। ओके, निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सा एक इस विचार से जुड़ी है जो कि विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती, यह स्वयं विद्यमान है, ये किसने कहा था इसकी बात करेंगे, तो ये किसके साथ जाता है, वो था हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक शाखा। 1949 से पूर्व प्रिवी काउंसिल द्वारा दिया गया निर्णय, क्या दिया गया निर्णय कि ओनली केवल निर्देशात्मक है उच्च न्यायालय पर। ओके, किसने किसने पर, उच्च न्यायालय पर। अच्छा, इसमें जो है आपका जो आंसर आएगा ए और बी, एक महान मकान, सॉरी महान कह रहा हूँ, ए और बी एक मकान के सहस्वामी हैं, ए की मृत्यु के बाद बी उस मकान का एकमात्र स्वामी हो गया है क्योंकि वह था उसका जॉइंट पार्ट ओनरशिप, है ना, जॉइंट ओनरशिप में थी उसके। नेक्स्ट चलेंगे 54 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वामित्व की विशेषता के संबंध में सही है, तो इसका आंसर होगा डी। अधिकार का प्रमुख तत्व कौन सा है, अधिकार का प्रमुख तत्व होता है हित। ओके, एक फर्म में भागीदार का अधिकार होता है, ये तो राइट आंसर है कि को ओनरशिप होती है। कठोर दायित्व से संबंधित वाद है, कठोर दायित्व से संबंधित वाद है आपका, ये है रायलैंड बनाम क्लेचर। ओके, सामान्य प्रक्रिया विधि है, सामान्य प्रक्रिया विधि क्या है, इसका आंसर होगा रेगुलर प्रोसीजर फॉलोड बाय कोड। ओके, सेकंड, किसने विधि शास्त्र वर्गीकरण सामान्य तथा विशिष्ट के रूप में किया, किसने किया, ये थे ऑस्टिन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ये थे लॉस्की, जो कि इनका नाम है हराल्ड जे लॉस्की। ओके, किसने कहा कि विधि शास्त्र नागरिक कानून के प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है, इसने कहा सेल्डमोन ने। ओके, सामोन ने। किसने कहा कि विधि, सेल्डमोन हो गया, हाँ हो गया। किसने कहा कि विधि शास्त्र विधिता की बाहर दर्शिता है, किसने कहा, ये थे जूलियस स्टोन। किसने कहा कि विधि शास्त्र स्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है, ये थे हॉलैंड। ओके, किसने विधि शास्त्र में विधि को राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्तुत किया है, किसने किया है, इसका था सेवेंगनी। ओके, किसने विधि शास्त्र को विधि ज्ञान के दार्शनिक पक्ष के रूप में परिभाषित किया था, ये थे आपके शिश्रो। ओके, किसने कहा कि विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों को वैज्ञानिक संश्लेषण है, किसने कहा, सी के एल एन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्र आंगल विधि शास्त्र का जनक माना जाता है, इन्हों कहेंगे ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन सा विधि का स्रोत है, कौन सा विधि का स्रोत है, तो ये सारे के सारे विधि के स्रोत हैं। ओके, फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेवेंगनी ने अवलोकन किया, क्या अवलोकन किया, कि विधायन के पूर्व रूढ़ी का स्थान होता है। ओके, न्यायाधीश द्वारा बनाई गई विधि एक प्रमुख समर्थक कौन है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्लैक स्टोन। देखिए बैकेन थे, बैकेन और बैकेन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो ब्लैक स्टोन के साथ जाऊंगा, आप देख लीजिएगा, बाय मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये डाउटेबल क्वेश्चन है मेरा, पर मैं ब्लैक स्टोन के साथ जाऊंगा क्योंकि बैकेन थे जिन्होंने ये कहा था कि न्यायाधीश द्वारा बनाई गई विधि का प्रमुख समर्थन मैं करता हूँ। ओके, सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया गया था, सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था,
डू इट किस द्वारा। रास्को पाउंड एक जाने माने विधेयकता थे, किसके थे ये, कौन से स्कूल का वो सपोर्ट करते थे, वो थे समाजशास्त्रीय विचारधारा का। ठीक है, बाकी जो थे ऊपर इसमें हिस्टोरिकल का ऑस्टिन ने किया था, जुरिस्ट ने किया था, तो ये वो व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये है डी, जज विधि का निर्माण नहीं कर सकते हैं। देख लीजिएगा, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है ना, इसमें बी, सी और बी दोनों ही ऑप्शन मुझे सही लगे हैं। आप इसे चेक कर लीजिएगा एक बार अपना क्वेश्चन, नॉर्मल से नॉर्मल 10 क्वेश्चन का मैंने एवरेज लगाया है, 10 क्वेश्चन डाउटेबल होते हैं हर पेपर में। ओके, आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। एक एक फर्म में एक भागीदार का स्वामित्व का अधिकार होता है, क्या होता है, को स्वामित्व। किसने कहा, एक प्राकृतिक विधि एक परिवर्तनशील सामग्री के साथ, किसने कहा, ये थे सेंट एक्विनास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान रूढ़ी से संबंधित एक गलत कथन है, तो ये है आपका अति प्राचीनता। विधि शास्त्र शब्द को लिया गया था कहाँ से, लिया गया था लैटिन वर्ड से। ओके, रूढ़ी मान्य का अमान्य, मान्य है या अमान्य, इसे कौन मान्यता देता है, इसे कौन मान्यता देता है, इसे देता है, देखिए दो ऑप्शन मुझे इसमें से लगे थे, कॉन्स्टिट्यूशन, पर कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता नहीं देता, मान्यता न्यायालय ही देता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको एक लाइक मान लीजिए कि स्टेटमेंट के तौर पर उसे रखता है अपने पास सिर्फ, तो न्यायालय के साथ जाऊंगा। आप संविधान को भी, इन दोनों को आप इसे चेक करेंगे। आज के समय में विधि का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है, ये इसके जो है ऑप्शन को देखेंगे, रूढ़ी, न्यायिक निर्णय, विधायन, और ये पूरा ही मैं कहूँगा कि उपयोग सभी की ओर जाएंगे। विधि के अनुसार कौन सा अधिकार मान्य है, विधि के अनुसार कौन सा जो है अधिकार मान्य होता है, इसमें जो है देखिए इसका आंसर तो मुझे नहीं मिला है, आप सर्च करिएगा मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है, बताइएगा। ठीक है, सारे के सारे आंसर आपको वेयर एक्ट में मिल जाएंगे, वेयर एक्ट आप पढ़िए और उसमें सारे आंसर मिलेंगे आपको। देखिए 81 छोड़ दिया था और 80 का ऑप्शन भी ड्रॉप किया था मैंने, वैसे लीगल राइट है 80 का आंसर, है ना, ये हो गया विधिक शास्त्र, सॉरी ये तो हो गया भाई, ये वाला मैंने गलत कर दिया, ये आंसर यहाँ से है, इसका आंसर है विधि अधिकार लीगल राइट्स है, और ये वाला मुझे डाउट है तो ये वाला नहीं हुआ है, तो इसे क्रॉस करेंगे 81 को। ओके, 81 नहीं हुआ है तो आप 81 को देखेंगे। 82 देख लेते हैं, 82 है, इसमें जो है फर्स्ट आंसर है इसका विधिक, है ना, विधिक व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं, एक मृत व्यक्ति कौन होते हैं, विधिक व्यक्ति होते हैं, अभी हमने इसको देखा था, मैंने बताया था अभी। ठीक है, दूसरा कि संकल्पना का कौन समर्थक नहीं है, संकल्पना का कौन समर्थक नहीं है, वो है हॉलैंड, जल्दी से फास्ट अब मैं करता हूँ, फास्टली देख लेते हैं। अरमरी बनाम डेलामेरी का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका है कब्जा से। इस्माइल शरीफ बनाम मोहम्मद गौस का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रॉपर्टी से। ओके, विधेयन दशा के अंगोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा कब्जा से संबंधित है, कौन सी धारा कब्जा से संबंधित है, 9। ओके, कब्जा का तत्व कौन सा होता है, कब्जा करने का आशय, और दोनों ही इसके आंसर हैं। ओके, ए एंड बी, कब्जा सुरक्षित है, कब्जा सुरक्षित है शक्ति के द्वारा। ओके, कथन पूरे विश्व के विरुद्ध कब्जाधारी बेहतर स्वत्व रखता है सिवाय वास्तविक स्वामी के। ओके, ये जो है आपका, सॉरी इसमें जो है ए है, और इस वाले में आया आपका आंसर है, जल्दी में गलत हो गया, ये डी है, लॉ के द्वारा आप जो है सुरक्षित हैं। ठीक है, स्वायत्त 90, स्वायत्त का एक है, स्वायत्त एक क्या है, सामाजिक संस्था है, विधिक संस्था है, नैतिक संस्था है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 91 की ओर जाएंगे तो 91 जो है वो होगा कांट। ओके, और इसके जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये थे थॉमस हॉब्स, तो थॉमस हॉब्स ने इसे जो है 1974 से 1864 तक इसे रखा था, यानी इस्टेब्लिश इस पर रिसर्च किया था, तो वो थे, पर थॉमस हॉब्स का नाम इसमें है नहीं, तो आप जाएंगे कांट की ओर। और किसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है ना, किसने कहा था, ये थे बेंथम। ओके,
ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, ये थे ऑस्टिन। ओके, पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये थे आपके अगस्त काम्टे। ओके, काम्टे 1798 से 1857 तक इन्होंने जो है इसे इन बीच इस पर जो है काम किया था। ऑस्टिन के सिद्धांत को कहाँ सबसे ज़्यादा अग्रकृत किया जाता है, ओके, अमेरिका में, कहाँ से, अमेरिका से। विधि का विरुद्ध सिद्धांत विचारधारा नाम से जाना जाता है, कहाँ से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका द वियराना विचारधारा। ओके, अगला है, किस दृष्टिकोण के अनुसार विधि और नैतिकता एक दूसरे के साथ मिश्रित हैं, किसके द्वारा मिश्रित हैं, सी के साथ। ओके, ऐतिहासिक विचारधारा पर किसका तरीका सबसे ज़्यादा सुधार किया गया है, यह हेनरी मैने। भारत के गवर्नर जनरल काउंसिलिंग में विधि का सदस्य कौन था, इसका विधि का सदस्य कौन था, ये थे मैने। ओके, प्रगतिशील समाज के विधियों का विकास तीन प्रकार से किया है, इसका आंसर होगा कल्पना साम्य और विधायन। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस जो कि मैंने 100 के 100 आपको दे दिए हैं, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन डाउटेबल हैं, तो आप उन्हें रीचेक करिएगा और वेयर एट से सर्च करिएगा, आंसर मिल जाता है तो मुझे कमेंट करिएगा विद स्क्रीनशॉट। ओके, ये था जुरिस्प्रूडेंस का आज का पेपर, तो आप अपना स्कोर काउंट करके हमें कमेंट जरूर करिएगा और देखते रहिए हमारे इसी तरीके के यूट्यूब चैनल पर, सॉल्यूशन मिलते रहेंगे और दूसरा मैथमेटिक्स की क्लास भी आपको रेगुलर टाइम से मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।